Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study minor and partnership form. By virtue of section 10 and 11 of Indian Contract Act 1872, a minor is incompetent to contract and therefore a contract is made void ab initio. पार्टनरशिप फॉर्म में किसी भी माइनर पार्टनर की एंट्री नहीं हो सकती अगर उसके फादर वगैरह हैं या कोई भी मतलब फैमिली मेम्बर है तो वो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप में हिस्सेदारी तो मिल जाएगी मगर लॉस वो नहीं पे करेगा। मान लीजिए कि कोई एग्जिस्टिंग फॉर्म है उसमें उससे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उसे लॉस वगैरह नहीं होगा, कोई लायबिलिटी नहीं होगा। माइनर पैसा नहीं डालते हैं कैपिटल में तो वैसे ही ना तो ये लोग पैसा डालते हैं ना तो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जैसे वो मेजॉरिटी एज पहुंच जाता है वो नोटिस देकर ये बता सकता है कि वो पार्टनरशिप में रहना चाहता है या नहीं। अगर वो नोटिस नहीं देता है विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम तो ये माना जाएगा कि वो एक्टिव पार्टनर है फर्म में। जैसे वो माइनॉरिटी से मेजॉरिटी एज पहुंचेगा वहाँ पे उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी और उसे प्रॉफिट और लॉस दोनों का सामना करना पड़ेगा। तो सेक्शन 30 में दिया गया है माइनर के बारे में कि माइनर का क्या पोजीशन है पार्टनरशिप में। एक माइनर को पार्टनरशिप में या फर्म में एडमिट किया जा सकता है बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए। माइनर को जब भी पार्टनरशिप में एडमिट किया जाएगा बेनिफिट्स के लिए तो उसके लिए लाजमी है कि सभी पार्टनर्स का कंसेंट होना ज़रूरी है। सेक्शन 30 का सब सेक्शन 2 बताता है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। जब भी किसी माइनर को पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए एंटर किया जाता है पार्टनरशिप में तो माइनर के पास ये राइट आ जाता है कि वो प्रॉपर्टी और वो प्रॉफिट जो शेयर करे जो कि पार्टनर्स ने कॉन्सेंट से अग्री किया हो। सेकंड इज कि जब भी माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट किया जाएगा तो माइनर के पास फुल राइट्स होगा कि वो फॉर्म्स में बुक ऑफ अकाउंट को एक्सेस करे, इंस्पेक्ट करे और कॉपी भी कर सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट इज़ वो सारे रिकॉर्ड्स, एक एक फॉर्म में कितना कितना कैपिटल लगाया गया है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, सारा डिटेल्स रहता है उसमें। सेक्शन 30 सब सेक्शन 3 बताता है लायबिलिटी ऑफ माइनर। फॉर्म के किसी भी एक्ट के लिए माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा लेकिन फॉर्म में जो माइनर का शेयर है या उसका जो प्रॉफिट का शेयर है उसको मिलना है वो लायबल होगा, वो शेयर्स के लिए लायबल है। कोई भी माइनर किसी भी पार्टनर्स के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकता, वो तब कर सकता है सूट जब वो फॉर्म से अपना सारा कनेक्शन ख़त्म कर दे। अब माइनर 18 ईयर्स होने के बाद 6 मंथ्स के अंदर अंदर नोटिस देगा। 6 मंथ्स के अंदर उसको बताना है कि उसे पार्टनरशिप में रहना है या नहीं। अगर वो इशू करता है तो ठीक है और अगर नहीं करता है, डोमैंड रखता है, तो माना जाएगा कि वो पार्टनरशिप का मेंबर है।